देखिए, अगर हुकूमत नाम है इस चीज़ का कि आप अपने मुल्क को छोड़ के लंदन में पनाह ले लें, तो फिर वाकई हुकूमत नहीं। अगर हुकूमत इस चीज़ का नाम है कि आप तमाम तरक्याती अखराजात सिर्फ़ और सिर्फ एक शहर में डाल दें और पंजाब भर के बच्चे भूख से बिलबिलाते रहें, तो फिर वाकई हुकूमत नहीं है। अगर हुकूमत इसका नाम है कि आप 16-16 अरब रुपया आपके नौकरों के अकाउंट से निकलें और आप लंदन में प्रॉपर्टियाँ बनाएँ, तो फिर वाकई आज पाकिस्तान में ऐसी हुकूमत नहीं है। अगर हुकूमत इसका नाम है कि हर साल बरसात के अंदर बारिशें आएँ और पानी खड़े हों ताकि आप तस्वीरें खिंचवाएँ, तो आज वाकई ऐसी हुकूमत नहीं है। अगर अगर हुकूमत इसका नाम है कि आप सिर्फ उन चीज़ों में पैसे डालें जो एक साल में मुकम्मल हो जाएँ और पाकिस्तान जो है वो खुश्क साली की थ्रेट से नबर्द आजमा रहे और आप मुल्क में डैम ना बनाएं, तो आज वाकई ही पाकिस्तान में ऐसी हुकूमत नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में वो हुकूमत है जो आज 3 बड़े डैम्स बना रही है नेशनल लेवल पे, पंजाब में 4 डैम्स बन रहे हैं, 360 अरब रुपए का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज दिया जा रहा है, 400 अरब रुपए से आज हेल्थ कार्ड दिए जा रहे हैं। ये वो हुकूमत है जिस हुकूमत के मॉडल से मरियम बीवी वाकफियत रखती हैं, वो वाकई आज पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती। क्योंकि ये पैराडाइम शिफ्ट आ गया है, ये एक नई तरह की हुकूमत है, इसको समझने के लिए नई सोच रखनी पड़ेगी, जमहूरियत की सोच रखनी पड़ेगी। ये शाही ख़ानदान की अगर ऐनक उतारेंगे तो फिर इनको नज़र आएगा कि ये हुकूमत क्या है।